आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए चाहिए थे 24 रन, क्रीज पर मौजूद थे अक्षर पटेल, लेकिन फिर हुआ ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में दिल्ली के हाथ से जीत छीन ली सनराइज हैदराबाद ने। एक समय तक दिल्ली कैपिटल 90% इस मुकाबले को जीत चुकी थी, लेकिन फिर आखिरी 5 ओवरों में पूरी तरह से इस मुकाबले को पलट कर रख दिया सनराइज हैदराबाद के गेंदबाजों ने। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जीते हुए मुकाबले में बाजी पलट दी यहां पर दिल्ली के लिए हैदराबाद की टीम ने। तो दोस्तों, हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछाला डेविड वार्नर ने और गिरा एडन मार्करम के पक्ष में। मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो गेंदबाजी के लिए तैयार थी दिल्ली कैपिटल की टीम। वहीं पर दोस्तों, पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा, तो उनके साथ थे मयंक अग्रवाल। पारी का पहला चौका देखने को मिला ईशांत शर्मा की गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से। कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने पहली चौका कवर ड्राइव के जरिए लगाया। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद एक और बैक टू बैक बाउंड्री उन्होंने लगाई, जबकि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक फ्लिक के जरिए चौका लगाया। इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ईशांत शर्मा ने मयंक अग्रवाल को आउट करके पहली सफलता दिला दी दिल्ली कैपिटल की टीम को। इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और ईशांत शर्मा का शिकार बने। फिलिप सेल्ट ने उनका कैच किया, वो 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेवलियन लौटे। ईशांत शर्मा ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद चौथा ओवर डालने आए मुकेश कुमार की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, तो ओवर की आखिरी गेंद पर त्रिपाठी ने शानदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों, पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को मिचेल मार्श ने मनीष पांडे के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा और एक और बड़ी सफलता मिली। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, कमाल की बल्लेबाजी जारी थी उनकी। छठे ओवर की पहली, तीसरी, पांचवी और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ईशांत शर्मा के इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके जड़े अभिषेक शर्मा ने और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 25 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। उनकी ये कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, पावर प्ले के बाद यहां पर दो ओवर काफ़ी शांत तरीके से निकले, लेकिन 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दूसरे छोर से कप्तान एडन मार्करम काफ़ी देर से शांत थे, तो वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मिचेल मार्श की गेंद को चुना। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच अक्षर पटेल को थमा बैठे और एक और झटका लगा सनराइज हैदराबाद की टीम को। 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवलियन लौटे कप्तान एडन मार्करम। इसके बाद दोस्तों, यहां पर हैरी ब्रूक क्रीज पर उतरे, लेकिन हैरी ब्रूक आए और हैरी ब्रूक गए, क्योंकि सिर्फ 2 ही गेंदों का वो सामना कर पाए और मिचेल मार्श का शिकार बने। अक्षर पटेल ने एक और शानदार कैच पकड़ा और 2 गेंदों पर 0 पर ही पेवलियन भेज दिया हैरी ब्रूक को, और उनका लगातार खराब परफॉर्मेंस जारी है। सिर्फ एक शतक उनके बल्ले से निकला है, इसके बाद लगातार वो फेल होते हुए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, 11वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार के ओवर में एक बार फिर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया, इस बार तो ये कमाल का शॉट था, जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला मिड ऑफ की तरफ। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद्रिक क्लासे ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार छक्का मुकेश कुमार की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया और एक ये काफ़ी शानदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों, यहां पर अभिषेक शर्मा जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर अब अक्षर पटेल की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन इस बार वो भी गलती कर बैठे और डेविड वार्नर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और अभिषेक शर्मा का विकेट मिल गया दिल्ली कैपिटल की टीम को। 36 गेंदों पर 67 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद आउट हुए अभिषेक शर्मा। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज अब्दुल समद ने आते ही 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद जब नौरकिया ओवर करने आए, तो उनकी पहली गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा मिड ऑफ की तरफ अब्दुल समद ने।
तो वहीं पर दोस्तों 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल के हेनरी क्लासन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ा और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक दो छक्के लगाकर इस ओवर में 17 रन बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद को अब्दुल समद ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का लगाया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 33 गेंदों पर 52 रनों की पार नसीब पूरी हो चुकी थी। तभी दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श ने अब्दुल समद को फिलिप सेल्ट के हाथों कैच करा कर एक और झटका दिया सनराइज हैदराबाद की टीम को, लेकिन अब्दुल समद ने 21 गेंदों पर शानदार 28 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों सारी जिम्मेदारी क्लासन के ऊपर थी, तो उन्होंने 18वें ओवर की पहली गेंद पर एंड्रिक नोरकिया की गेंद पर एक बड़ा छक्का लगाया। यह छक्का 97 मीटर दूर जाकर गिरी गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अकील हुसैन ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए मिचेल मार्श की गेंद पर पहली गेंद पर चौका लगाया। तो वहीं पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला लॉन्ग लेग के ऊपर से, यह भी काफी शानदार शॉट था। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर हेनरी क्लासन के बल्ले से एक कमाल का शॉट देखने को मिला और शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एक चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी पहली आईपीएल की 50 पूरी की 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर। लेकिन इसके बाद दोस्तों और कोई चौका सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से नहीं आया, लेकिन 20 ओवर में 197 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं पर 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और दूसरी ही गेंद पर डेविड वार्नर के रूप में पहला विकेट गंवाया दिल्ली कैपिटल ने। डेविड वार्नर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें बोल्ड करके पेवलियन भेजा, वो 2 गेंदों का ही सामना कर पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों फिलिप सेल्ट ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया मिचेल मार्श के। तो पहले ओवर की 4थी गेंद पर फिलिप सेल्ट ने शानदार चौका लगाया स्टेट बाउंड्री पर। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अकील हुसैन की दूसरी गेंद पर भी फिलिप सेल्ट ने एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार डालने आए तो उनकी भी 6थी गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन मिचेल मार्श ने 4था ओवर डालने आए अकील हुसैन की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इस बार भी गेंद को कमाल के तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी फिलिप सेल्ट ने एक और शानदार चौका लगाया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद टी नटराजन के ओवर में भी एक फ्लैट 6 देखने को मिला मिचेल मार्श के बल्ले से। तो दोस्तों इसके बाद 6थे ओवर में एक बार फिर कमाल का परफॉर्मेंस फिलिप सेल्ट ने दिखाया जब उन्होंने अकील हुसैन की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की एक और बाउंड्री इसी ओवर में देखने को मिली और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 30 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। तो वहीं पर इस पार्टनरशिप को तेजी से आगे बढ़ाया 7वें ओवर में जब 7वां ओवर डालने आए उमरान मलिक के ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का मिचेल मार्श ने लगाया और लॉन्ग लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 4थी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, इस बार बैकवर्ड स्क्वाड लेग की तरफ उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी फिलिप सेल्ट ने मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका लगाया और इस एक ही ओवर में 22 रन बना डाले और महंगा ओवर साबित कर दिया उमरान मलिक के इस ओवर को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा एक बार फिर मिचेल मार्श ने, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर अभिषेक शर्मा के एक और शानदार छक्का लगाया और इस बार डीप मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा मिचेल मार्श ने। तो वहीं पर 10वां ओवर भी कमाल का रहा जहां पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप सेल्ट ने शानदार चौका लगाकर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन इसके बाद एक मिचेल मार्श के शॉट पर अद्भुत तरीके से 5 रन बचाए शानदार तरीके से हैरी ब्रुक ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए और कमाल के अर्धशतकों के दम पर दिल्ली कैपिटल की टीम 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी 10 ओवर की समाप्ति के बाद। ऐसा लग रहा था कि अब मुकाबला दिल्ली की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा क्योंकि दोनों बल्लेबाज अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तभी 12वें ओवर में वापसी करवाई मयंक मार्कंडे ने सनराइज हैदराबाद की टीम की। मयंक मार्कंडे की गेंद पर
बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फिलिप सेल्ट, लेकिन गेंद सीधी चली गई मयंक मारकंडे के हाथ में और कोटिन बोल्ट के रूप में एक विकेट मिला। काफ़ी शानदार कैच पकड़ा था मयंक मारकंडे ने और इसकी कैच के दम पर उन्होंने पवेलियन भेजा फिलिप सेल्ट को। सेल्ट ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 35 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मनीष पांडे क्रीज पर उतरे और मनीष पांडे आए और मनीष पांडे चले भी गए, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने उन्हें आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया और क्लासेन ने उन्हें स्टंपिंग आउट करके पवेलियन भेजा। वो 3 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा अकील हुसैन के और गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से ले बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद उनके पाले में आई नहीं, या यूं कहे तो बैट पर सही तरीके से आई नहीं थी और गेंद के नीचे खड़े थे एडन मार्करम, जो कि कैच काफ़ी कम छोड़ते हैं। और यहां पर मिचेल मार्श को पवेलियन भेजा अकील हुसैन ने, उन्होंने 39 गेंदों पर शानदार 63 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में प्रियम गर्ग के बल्ले से एक शानदार चौका अभिषेक शर्मा की गेंद पर देखने को मिला, लेकिन वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रियम गर्ग भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप पर जा लगी और वो 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए और मयंक मारकंडे का शिकार बने। अब दिल्ली कैपिटल को 25 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत थी, जबकि पिछली 30 गेंदों पर सिर्फ 31 रन बने थे और 3 विकेट दिल्ली कैपिटल गंवा चुकी थी। इसके बाद सरफराज खान ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक अद्भुत शॉट खेला और चौका बटोरा। ये एक बेहतरीन शॉट था, लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनको बोल्ड करके पवेलियन भेजा नटराजन ने। सरफराज खान इस मुकाबले को पलट जरूर सकते थे, लेकिन फिलहाल वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर नटराजन का शिकार बने। इसके बाद तो सारी जिम्मेदारी अब अक्षर पटेल के ऊपर आ चुकी थी, तो 18वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल के हाथ से जीत दूर जाती हुई नजर आ रही थी। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार छक्का लगाकर गेंद को मिडविकेट की तरफ स्टैंड में डिपॉजिट किया अक्षर पटेल ने। तो वहीं पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिपल पटेल के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में दिल्ली कैपिटल की टीम 188 रन ही बना पाई और 9 रनों से मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वैसे अक्षर पटेल ने 14 गेंदों पर 29 रन बनाए थे, अगर वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते तो मुकाबले का पासा पलट सकते थे, लेकिन नीचे बल्लेबाजी करना भी दिल्ली की हार का कारण बना। आपके हिसाब से क्या रहा हार का कारण, हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।